जेंडर इनइक्वालिटी, वॉट इज जेंडर इनइक्वालिटी? आर सोसाइटी सफर्स फ्रॉम मैनी सोशल ईवल्स. सोशल ईवल्स मतलब हम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, बहुत गलत, उसे हम सोशल ईवल कहते हैं. सोशल ईवल सफर, सोशल ईवल. अगर आपको खुद आंसर बनाना हो तो आपको पता है कि सोसाइटी वो जगह होती है जहाँ हम रहते हैं. सोसाइटी वो जगह होती है जहाँ हम रहते तो परेशान करते हैं लोग, इसलिए उसको सफ़र कहते हैं. और सोशल ईवल मतलब जो गलत तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती है. और वन ऑफ देम, एक सोशल ईवल जो है वो है जेंडर इनइक्वालिटी. वो कैबलरी है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अगर ये आपने कर ली तो आप आंसर खुद लिख सकते हो. व्हेन डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन, डिस्टिंक्शन मतलब फ़र्क लाना, जब मैं फ़र्क करती हूँ बिटवीन लड़के और लड़की से, हम मेल और फीमेल कहते हैं. एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन, इज मीटेड आउट. मीटेड आउट मतलब देना टू बॉयज़ एंड गर्ल्स इन डिफरेंट फील्ड्स. जब अगर लड़का उस फील्ड में जाए तो उसे ट्रीटमेंट अलग मिलेगी, और लड़की उस फील्ड में जाए तो उसे ट्रीटमेंट अलग मिलेगी. तो इसे हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं. दिस ईवल हैज़ बिन प्रैक्टिस, ये कब से प्रैक्टिस होता जा रहा है इन मैनी कंट्रीज फॉर द लास्ट सो मैनी सेंचुरीज. जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड नॉट डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल डिफरेंस. जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट. सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब लोगों का माइंड सेट है. क्या है सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब? ये नहीं है माइंड सेट है. सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि भगवान ने एक लड़का और लड़की क्यों दी है, क्योंकि एक लड़का और लड़की के अलग होने का रीज़न ये है क्योंकि लड़की को बेबीज प्रोड्यूस करने होते हैं और लड़के को नहीं प्रोड्यूस करने. तो उनकी बॉडी पार्ट्स उनको उसके हिसाब से दिए पड़े हैं, क्या कि लिविंग बींग्स इस अर्थ पर कंटिन्यू हैं और जीते रहें. क्या जीते रहें? और कुछ भी नहीं है. यू आर अ बॉय, यू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. आई एम अ गर्ल, आई हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. देयर इज नथिंग टू से इन दैट. Boys have a different set of things and girls have a different set just to produce babies. Because a boy and a girl can only produce a baby, a girl and a girl or a boy and a boy can never produce a baby. So it is a social construct and not determined by biological difference. It is a mobile. Social construct. What is the vocabulary word? Social construct. Repeat it 5 times. Social construct. Social construct. Social construct. Social construct, social construct, social construct. Biological difference. मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका सिखा रही हूँ वापस आज. Social construct fast. Social construct, social construct, social construct, social construct, social construct. Biological difference. Biological difference. बोलो 5 times. Biological. Difference, biological difference, biological difference, biological difference, biological difference. हम लोग agree करते हैं इसलिए ये होता है. अगर हम agree नहीं करेंगे, अगर हम मानेंगे ही नहीं ये inequality को, तो gender inequality ख़त्म हो जाएगी. Social construct का मतलब क्या होता है? When we communicate, we agree, हाँ हम लड़कियाँ हैं तो ठीक है. ऐसा नहीं होता है. If we don't agree, तो ये inequality ख़त्म हो जाएगी. क्या हो जाएगी? एंड नॉट डिटरमाइंड बाई बायोलॉजिकल डिफरेंस. बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से लड़का है और लड़की है, ये बायोलॉजिकली तो है. ये फ़र्क भगवान ने हमें दिया, हमने खुद नहीं बनाया है. तो अगर हमें जेंडर इनइक्वालिटी लिखना है कि लोग, हमारी सोसाइटी सफ़र करती है सोशल ईवल्स और जेंडर इनइक्वालिटी, ये फ़र्क डिस्टिंक्शन मेल्स और फीमेल्स और अनइक्वल ट्रीटमेंट को ही हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं. कौन कौन से टाइप से जेंडर इक्वालिटी होती है, समझ आ गया आपको? ये कौन कौन से टाइप की जेंडर इक्वालिटी होती है? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, बट द मेन चीफ मतलब मेन अमॉन्ग देम आर इनइक्वालिटीज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड. अब देखते हैं कैसे करती है इनइक्वालिटीज इन द सोशल फील्ड और सोशल एस्पेक्ट्स. पहले हम सोशल एस्पेक्ट्स की बात, सोशल मतलब रिलेटेड टू द सोसाइटी. इन द सोशल फील्ड द फर्स्ट अनइक्वालिटी इज द मॉर्टैलिटी इनइक्वालिटी. मॉर्टैलिटी क्या होती है अभी बताएंगे. वेन देयर इज हाई मॉर्टैलिटी रेट ऑफ वुमेन देन मैन, दिस इज मॉर्टैलिटी इनइक्वालिटी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर लेसर नंबर ऑफ वुमेन एंड कंपेयर्ड टू पर 1000 मैन. मॉर्टैलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मॉर्टैलिटी? क्या कह रहा है? इन द सोशल फील्ड द फर्स्ट अनइक्वालिटी इज द मॉर्टैलिटी इनइक्वालिटी. मार दिया जाना या मर जाना, क्या करना? ज्यादा औरतों का मरना. मॉर्टैलिटी का मतलब क्या होता है? ज्यादा मर जाना. मॉर्टल मतलब जो मर जाते हैं.
ज़्यादा औरतें हैं, वेन देर इज हाई मोर्टैलिटी, और जब वुमेन ज़्यादा मरती हैं देन मैन, तो इसे मोर्टैलिटी इनइक्वालिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादा औरतें मर रही हैं या ज़्यादा बच्चे पैदा होने के बाद मर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, औरतें कम हो जाएंगी, लेसर नंबर ऑफ वुमेन एज कम्पेयर टू पर थाउजेंड। अगर थाउजेंड मैन है तो कंपेरिजन में थाउजेंड लड़कियाँ होनी चाहिए ना, पर थाउजेंड मैन के कंपेरिजन में कई बार तो इतना रेशियो आता है कि सिर्फ सौ लड़कियाँ हैं, सिर्फ सौ लड़कियों के आगे जाके कितनी तगड़ी फर्क आएगा, तो वो 900 लड़के कहाँ जाएंगे, वो 900 लड़के कहाँ जाएंगे, क्यों? उसी में पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा ठीक है, कर देना और फोन की स्विच ऑफ आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? यस। द सेकंड इक्वालिटी इनइक्वालिटी इज अ सोशल फील्ड इज नैटैलिटी इनइक्वालिटी। नैटैलिटी Quality. People in most countries prefer a boy child rather than a girl child. सबको लड़का चाहिए as a boy, not a girl. वो birth of a boy तो celebrate करते हैं, और जब लड़कियाँ होती हैं, females होती हैं, तो infanticide मतलब उनको मार देना, उनको मार देना, ये mortality rate में बच्चे को मारना नहीं होता, यहाँ पर औरतें जल्दी मर जाती हैं in comparison to boys, in comparison to Boys. और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लड़की को पेट में ही मार देना, इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड फीमेल फोर्टिसफाइड किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। तो दोनों में फ़र्क है, पैदा होने के बाद जब लड़की को मारा जाता है, पैदा होने के मान लो पैदा हुआ हॉस्पिटल पता चला लड़की है तो उसको जाकर मार दिया, तो उसे कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्या कहते हैं? फीमेल इन्फेंटिसाइड। लेकिन फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है अनबॉर्न लड़की को ही पेट में मार देना। क्या? तो इसे नेटैलिटी इनइक्वालिटी कहते हैं। नेटैलिटी इनइक्वालिटी प्रोनंसिएशन चेक कर लेंगे, NATALITY। नेटैलिटी इनइक्वालिटी में दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। लोगों को बॉय पसंद आता है, इसे वो लड़कियों को या तो पैदा होते ही मार देते हैं, इसे क्या कहते हैं, फीमेल इन्फेंटी, जाते हैं उस जिंदा लड़की को दफना के आ जाते हैं, और या उसको पेट में ही मार देते हैं, जिसे कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। क्या कहते हैं? The third is the household or family inequality. Third is the household or family inequality. मतलब in many countries the family itself becomes a root cause of greater inequality. Family ही लड़का लड़की को unequal treat करती है। क्या करती है? Family ही. Not only are boys preferred to girls, not only are boys को ज़्यादा पसंद करा जाता है, prefer words क्यों कर रखा है? Boys को ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट ऑल्सो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज गिवन टू देम। अलग अलग ट्रीटमेंट, हमारे घरों में तो बॉय और गर्ल को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। सानवी काम करती है तो मीत भी काम करता है, सानवी थप्पड़ खाती है तो मीत भी थप्पड़ खाता है, जो काम सानवी करती है वही काम मीत। देर इज नो इन इक्वालिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीबडी इज गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, एवरीबडी इज गिवन। लेकिन वहाँ पर तो लड़के को ज़्यादा पसंद किया जाता है, लड़के को तू बैठ तू बैठ, तू तो घर का राजा है, तू बैठ तू बैठ, सानवी उसके लिए चाय ले आ, सानवी उसके लिए बैग ले आ, सानवी उसके स्कूल के कपड़े निकाल दे, सानवी। और सानवी के कपड़े वो खुद बेचारी निकाल रही है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में तो डंडे दो उसको पड़ते हैं, पहले दो डंडे उसको पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद लाएगा, अपनी चीज़ें खुद लाएगा, नौकर नहीं है उसकी। इक्वल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? इक्वल ट्रीटमेंट। तो ये हमारी तो फैमिली ही ऐसी नहीं है, कई लोगों तो फैमिली होती है, क्योंकि लड़कियां भी उतना ही पढ़ रही हैं, तो लड़कों का भी, लड़कियों का भी उतना ही हक है जितना लड़कों का है, कि वो भी नौकरियां करके थक कर आएंगी जैसे हम आप थक कर आते हैं। तो दोनों को मिल बांट के हाथ बटाना चाहिए, हमारे घर में तो सब मिल बांट के हाथ बटाते हैं, पापा मम्मी सब मिलकर काम करते हैं, कि मम्मी भी इनकी नौकरी करके थक के आती है, जैसे पापा थक के आते हैं, तो सब मिलकर काम करते हैं यहाँ पर। तो देर इज़ नो अनइक्वल ट्रीटमेंट, देर इज़ नो अनइक्वल ट्रीटमेंट, नो बॉयज़ आर प्रेफर्ड ओवर गर्ल्स, बोथ आर इक्वल, नो प्रेफरेंस है कि लड़का है तो मज़े या लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बेटर फूड इज गिवन टू बॉयज एज कम्पेयर टू, जो घर में पनीर बटर मसाला मिलता है वो दोनों खाते हैं। सानवी कभी हुआ है कि मिट्टी को अच्छा खाना दे रहे हैं तुम्हें अच्छा खाना नहीं दे रहे? ऐसा कभी नहीं होता, बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, बोथ आर गिवन इक्वल, एवरीथिंग इक्वल, वाइल बॉयज आर लेफ्ट फ्री टू प्ले। लड़की और लड़कों को तो कहते खेलो, और लड़कियों को तो सारा दिन घर के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े अलमारियाँ समेटने को कहो। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों अपनी अलमारियाँ समेटते हैं, दोनों अपना रूम साफ करते हैं, दोनों सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Boys are not left free to play and girls are made to, no girls, the household duty is of the entire family, all the family members sitting in the family is the duty to handle the house, it is not the duty of only mother. As far as schooling is concerned, many countries mein kya hota hai, everything is spent on the education of boys, ladkon ko padha diya jata hai, ladkiyon ko nahi padhaya jata, agar unke paas 10,000 rupaye hain to ladkon ko aur acche school mein dal denge,
लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, और हमारे पास अगर 10,000 रुपये हैं तो हम ऐसे स्कूल बना देंगे जैसे 5,000 मिथ्ती पढ़ ले, 5,000 सानवी पढ़ ले, इक्वल बोथ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अच्छे 10,000 डाल सकते हैं, 10,000 में उसको अच्छे स्कूल में डाल देंगे, और बेटी को क्या करेंगे, डेलीबरेट अटेम्प्ट, मतलब डेलीबरेट अटेम्प्ट का मतलब होता है जान मुझ के सेव मनी एज फार एज द गर्ल्स आर, और डेलीबरेट अटेम्प्ट इज मेड टू सेव मनी एज फार एज द गर्ल्स आर, जान मुझ के उनके लिए पैसा सेव कराता है, बस उसकी शादी कर लो, यही सपना होता है। क्या कर दो, उसकी शादी कर दो, यही सपना होता है। तो डेलीबरेट अमाउंट होता है यार, डेलीबरेट इज मेड टू सेव मनी, उस पर खर्च करते ही नहीं, लड़कियों पर खर्च करते ही नहीं, क्योंकि उनको कहते हैं देखा तो शादी पे लगाएं तो उस पर तो खर्च करते ही नहीं, बिल्कुल ही खर्च नहीं करते उसके ऊपर, क्या नहीं करते, बिल्कुल ही खर्च नहीं करते। तो कौन कौन सी इनइक्वालिटी सोशल फील्ड्स के बारे में हमने बात करी है, तो मोर्टैलिटी इनइक्वालिटी, क्या जहाँ पर औरतें ज़्यादा मरती हैं इन कम्पेयर टू बॉयज़। सेकेंड इज नटैलिटी इनइक्वालिटी, जहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फॉर्टिसाइड की बात हुई थी। थर्ड वाले में कौन सी बात हुई थी, के प्रेफरेंस की बात हुई थी, क्या हुई थी, जिसमें बॉयज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलाता है रैदर द गर्ल्स। गर्ल्स फोर में क्या होता है, बात हुई थी कि खर्च करने की, पैसा कहाँ खर्च होता है, एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड नॉट ऑन गर्ल्स, ऑल द मनी व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स इज सेव्ड इन देयर नेम्स, क्या कहा जाता है, इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड। इकोनॉमिक फील्ड में क्या फ़र्क आता है, इकोनॉमिक फील्ड में भी प्रिवेल का मतलब यहाँ पर भी जेंडर इनइक्वालिटी होती इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड इन प्रोडक्शन इन वर्क एंड ऑक्यूपेशन। अगर वो कमाने जाती है, सोशल का मतलब वो कमाने नहीं जाती, नॉर्मल बात करें यहाँ पर, जब वो कमाने जाती है तो अगर वो एम्प्लॉय है और प्रोडक्शन इन वर्क एंड ऑक्यूपेशन, वुमेन ऑफन फेस ग्रेटर हैंडीकैप्स देन मेन। वुमेन को हमेशा यहाँ पर जब वो एम्प्लॉय का कोई काम करने जाती है, किसी की नौकरी के लिए करने जाती है, क्या जाती है, या कोई काम करने जाती है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे प्रोडक्शन इन वर्क, मतलब प्रोडक्शन मतलब कोई फैक्ट्रीज में कोई काम बनाने का है, जैसे प्लांट से फर्नीचर बनता है तो प्रोडक्शन कंपनी हो गई, क्या हो गई, ऐसा कोई भी काम, कहीं भी कोई भी काम हो तो उसको तो और हैंडीकैप मतलब कौन, उनके हाथ पैर नहीं होते, तो बस वो लड़की है इसलिए उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है, वेन द क्वेश्चन ऑफ, क्योंकि नाइट ड्यूटी में लड़कियां कर नहीं सकती, उनको अपना घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, माँ बाप संभालने हैं, माँ बाप संभालने का काम तो लड़कों का ही नहीं, सब लड़कियों पर थोपा जाता है कि तुम मेरे सास ससुर है तो तुम्हें ही करना है, घर की सुरक्षा तुम्हें करनी है, घर की ये करनी, तो नाइट ड्यूटी बेचारी कर नहीं सकती। दूसरी बोलता है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसके लिए रिस्की, अकेली लड़की का वहाँ से घर पे आना बहुत रिस्की है, क्या है, या बहुत हार्ड लेबर आता है, जब बहुत मेहनत वाला काम किया जाता है तो लड़कियाँ फीबल मानी जाती, कमज़ोर मानी जाती, कि इतना हार्ड वर्क वो कहाँ से करेंगी, इतना हार्ड वर्क वो कर नहीं सकती, तो इसलिए हमेशा लड़कों को ही पसंद किया जाता है। जब भी प्रोडक्शन की बात होती है, कोई काम होता है या एम्प्लॉय के काम होती है, तो क्यों लड़कों को पसंद किया जाता है, 3 रीज़न की वजह से, कि लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती, नाइट ड्यूटी, लॉन्ग डिस्टेंस काम नहीं कर सकती, थर्ड उनको कमज़ोर माना जाता है कि वो हार्ड लेबर वाला काम नहीं कर सकती है। इवन मैन एंड वेयर वुमेन आर एम्प्लॉयड ऑफन देर आर गर्ल्स लेस गिवन लेस वेजेस। अगर सेम काम लड़की कर रही है और सेम काम लड़का कर रहा है तो लड़की को तनख्वाह कम मिलती है, पैसे कम मिलते हैं, वेजेस कम मिलते हैं, लड़की को वेजेस कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं वेजेस। इन मेनी कंट्रीज वुमेन आर नॉट गिवन एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स में लड़कियों को कोई शेयर दिया नहीं जाता, माँ बाप की पुश्तानी प्रॉपर्टी में लड़कियों को कोई शेयर नहीं दिया जाता। इन द केस ऑफ एनी इवेंचुअली द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड दे हैव टू लिव द मर्सी ऑफ देयर फैमिली। अगर उनका पति मर जाता है उनको तो हमेशा उनको मर्सी मतलब बिचारी बनकर ही जीना पड़ता है, पति तो वो अपनी लाइफ जी नहीं पाती, सो बिचारी बनकर अपनी लाइफ जीनी पड़ती है, क्योंकि बेचारी है उसका पति मर गया, हाय 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 हाय, क्योंकि उसका ऐसा कुछ होता, अपना कुछ होता ही नहीं है, पर्सनल कुछ होता ही नहीं है, तो उनको अपनी फैमिली के शेयर में कोई प्रॉपर्टी के शेयर में पैसे नहीं मिलते हैं, शी हैज टू लिव एट द मर्सी ऑफ देयर फैमिली, अपने पति। इट हैज जनरली बीन फाउंड दैट द प्रिवेलिंग कंडीशंस मेक इट हार्ड फॉर वुमेन टू एंटर एंड फ्लरिश इन कमर्शियल फील्ड। ये सारे कंडीशंस जो हमने डिस्कस करी, क्या करी, इसके वजह से वो एंटर भी नहीं कर सकती और तरक्की भी नहीं कर सकती। तरक्की मतलब एक फील्ड के में उसको बहुत हाई पोजीशन नहीं मिलती, क्यों, इन कमर्शियल फील्ड में नहीं मिलती। कॉमर्स, कमर्शियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पैसा लेना देने का काम होता है, बिजनेस होता है, इकोनॉमिक कमाने की, और इवन सोशल एक्टिविटीज़ में भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। अब क्यों ये इतनी इनइक्वालिटी है, क्यों ये इतनी इनइक्वालिटी, वाई इज़ दैट इनइक्वालिटी, आज हम सब ये 9 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं, किसने ये पैदा करी थी इनइक्वालिटी, किसने लड़कियों को नीचे दिखाने का काम करा। आर सोसाइटी सफर्ड एंड इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम सोशल इल्स एंड ईवल्स। आर सोसाइटी सफर्ड एंड इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम सोशल इल्स एंड ईवल्स। जेंडर इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स वॉज वन ऑफ देम।
वुमेन सफर्ड फ्रॉम मेनी डिसेबिलिटीज, वुमेन को बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी मतलब परेशानियाँ थी. द चीफ अमॉन्ग देम वर द फॉलोइंग, लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, वुमेन को हमेशा लो माना जाता था. क्या माना जाता था? लड़कों के कंपैरिजन वुमेन का स्टेटस हमेशा लो था. अ वुमेन वॉज सोशली सबॉर्डिनेट टू मैन, सबॉर्डिनेट मतलब वो हेल्प करने के लिए होती थी. क्या करने के लिए होती थी? शी वॉज अ सबॉर्डिनेट टू द मैन इन वन वे और द अदर. शी हैड सेल्डम बीन परमिटेड टू लिव इंडिपेंडेंटली, शी हैड बीन कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन. शी हैड सेल्डम बीन परमिटेड टू लिव इंडिपेंडेंटली, she has been permitted to live independently. has been permitted to live independently matlab permission diya gaya usko kya. a woman was socially subordinate to man in one way or the other. wo hamesha ladkon ko khud kuch nahi kar sakti, wo hamesha kisi ko kaam wo khud. socially subordinate ka matlab kya hota hai? subordinate to main clause kya hota hai? जो मेन काम करता है, सबॉर्डिनेट कॉल करता है तो मेन क्लॉज को हेल्प करता है. तो सेम वुमेन इज सोशली सबॉर्डिनेट टू मैन, मतलब वो हमेशा माना जाता है वो तो सिर्फ उसकी हेल्प करेगी. अगर वो ऑफिस से आएगा तो उसके लिए खाना बनाएगी, ऑफिस से आएगा तो उसके कपड़े पैक करके देगी, उसके टिफिन. क्यों भाई, तुम्हारे कोई चार्ज सिर लगे हुए हैं? खुद अपना टिफिन पैक कर लो ना, खुद खाना बना के जाओ. हम भी तो खाना बना के जाते हैं. क्या पेट में दर्द हो रही है तुम लोग के? क्यों नहीं कर सकते? क्यों तुम्हें पैदा ही ऐसा किया, रेज ही ऐसा करा हुआ है कि खाना बनाने का काम तो औरतों का ही है? तुम्हें तो रेज ही ऐसे किया गया, तुम्हें तो हम तो वुमेन को हमेशा सोच और सेल्डम हैड बीन परमिटेड टू लिव इंडिया, और उसको इंडिपेंडेंटली रहना तो उनको लगता है नहीं रह पाएगी बेचारी, नहीं रह पाएगी बेचारी, नहीं रह पाएगी. क्यों नहीं रह पाएगी बेचारी? तुम्हारी जितना कमाती है, तुम्हारी जितनी अक्ल है, तुम्हारी जितनी जिम्मेदारी लेने आती है, रिस्पॉन्सिबल है, पता है सब कुछ, कैसे नहीं कमा पाएगी? शी हैज़ बीन कंसिडर इन्फीरियर टू, उसको इतना नीचे का दर्जा क्यों दिया है? उसको इतना इन्फीरियर क्यों माना गया है? द गर्ल गर्ल क्लीनिंग द रूम, और बॉय, घर में दो भाई बहन है, बेटा टीवी देख रहा है और लड़की बेचारे पूरा घर साफ कर रही है, पोछे लगा रही है, बर्तन कर रही है. वही फ्री टाइम पे, वो स्कूल से पढ़कर आई है, वो फ्री टाइम पे झाड़ू पोछे बर्तन कर रही है, और वो बैठ के महाराज जी टीवी देख रहे हैं. दोनों ही स्कूल से आए हैं ना. इसे कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी. क्या कहते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी. कोई इनइक्वालिटी नहीं है, दोनों में इक्वल है. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल, डिस्क्रिमिनेशन मतलब फर्क करना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब फर्क करना. द गर्ल इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मेनी वेज. इन मेनी फैमिलीज प्रेफरेंस इज गिवन टू द बर्थ ऑफ अ बॉय. अभी हमने करा था, बर्थ ऑफ अ बॉय होता है तो पार्टी होती है, बट बर्थ ऑफ अ गर्ल, बिकॉज यू सेड दैट कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली डिपेंड्स अपॉन द बॉय. क्योंकि लड़की तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी, लड़की तो ब्याह कर तो उनके घर की कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी. क्या कर देगी? कंटिन्यूटी. सो दे वॉन्ट अ बॉय, दे डिपेंड अपॉन अ बॉय एंड नॉट द गर्ल हु विल स्टिल क्या शिफ्ट टू द फैमिली ऑफ अर इन लॉज वेन शी ग्रोज अप एंड गेट्स मैरिड. क्या वो? बिकॉज उनका ये मानना है कि लड़की तो चली जाएगी. द गर्ल विल गो, शी विल शिफ्ट इन टू आवर हस्बैंड्स हाउस, सो हु विल कंटिन्यू लिविंग फॉर द चाइल्ड. कुछ ले रही हूँ. यू हैव नो वर्क फॉर दिस. मुझे कुछ काम है. द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी उनको लगता है अरे दहेज देना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, ये तो हमें बाद में कमा कर भी नहीं देगी. ये तो हमें कमा कर भी नहीं. लड़का तो जब पढ़ लिख जाएगा तो हमें कमा के, तो उसे एक घर में लाइबिलिटी माना जाता है. लाइबिलिटी मतलब जिस पे खर्च करना है. आपके घर में एसेट का मतलब होता है जो आपके होते हैं, लाइबिलिटी वो होती है जो आपने किसी और से ली होती है. तो कहता है तो पराया धन है, ये तो पराया जिस पे खर्च करना बेवकूफ़ी, क्योंकि ये धन तो चला जाएगा, तो उस धन पे क्या करना है? जो धन अपने पास रहेगा उस धन पे खर्च करो, ऐसा सोचा जाता है. क्या कहा जाता था? ये पूरी ट्रेडिशनल सोच है, ये हमारी सोच नहीं है. क्या नहीं है? ट्रेडिशनल सोच है. बिकॉज फ्रॉम हर बर्थ टू डेथ द पेरेंट्स हैव टू स्पेंड ऑन हर. क्योंकि उसको लगता है जब तक इसको पैदा हुआ, जब तक ये मरेगी नहीं, तब तक तो हम पे इस पर सिर्फ खर्च ही कर रहे हैं. और स्पेशली एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मैरिज टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना. वेन अ फ्यू विद अ फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन अभी भी कुछ एक्सेप्शन है, अभी भी क्यों फ्यू एक्सेप्शन हैं. डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन ऑफरिंग फूड टू मेल चाइल्ड. मैंने अभी बताया था ना, द मेल चाइल्ड इज गिवन अ बेटर फूड. ऑफरिंग टू द मेल चाइल्ड इज बेटर एंड ऑफरिंग टू द फीमेल चाइल्ड इज ऑफरिंग अ पिज्जा टू द मेल चाइल्ड बट ऑफरिंग अ जस्ट अ चपाती टू द फीमेल चाइल्ड टू शो दैट द बॉय इज इनफीरियर. अगर घर में कम रोटी है या आज कम राशन है, कमी है पैसों की, तो लड़के को ज़्यादा खिलाया जाता है. लड़की को कहता था तू रहने दे, तू आधी रोटी खा ले या बचा हुआ तो ही बाद में खाना, पहले भाई का पेट भर जाए, पहले भाई का पेट. सो डिस्क्राइब विद अ फ्यू एक्सेप्शंस. डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्शन मतलब फ़र्क करना, एक्सेप्शन मतलब डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन ऑफरिंग फूड टू अ मेल चाइल्ड एंड अ फीमेल
While everything is spent on the education of boys, every attempt is made to save the money as far as, लेकिन girls पे एक पैसा खर्च ना हो, उसके तो बस पैसा बचाने की बात करो. A girl is basically trained for, उसको हमेशा बस घर के कामों के लिए train किया जाता है. While every attempt is made to make the male child proficient in occupation, वह लड़के को तो धंधा सिखाया जाता है, business सिखाया, profession मतलब to be very expert, very expert. The girl is basically trained in household work. Female infanticide, as discussed above to some people, birth of a daughter was nothing less than a curse. अगर कुछ families में अगर लड़की पैदा हो जाए तो curse है. curse मतलब सजा है. क्या है? सजा. As such they used to kill them the moment they were born. जब वो पैदा होती थी उसी टाइम उन्हें मार दिया जाता. It shows that at some places women have no right even to live. इसका मतलब क्या है कि औरतों को तो जीने का भी हक नहीं है. Neglect of female education. Neglect of female education. Women were often neglected in the field of education. पढ़ाई में तो women को पढ़ाया ही नहीं जाता था. It was considered quite useless to educate them. औरतों को educate करना useless as they were neither required to seek employment. लगता था ये तो क्या नौकरी करेगी क्या. She was neither required to get. उसको पढ़ाई, उसको नौकरी करने की ज़रूरत है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है. उसका पति है ना, उसको कमा के देगा. उसको क्या ज़रूरत है खुद कमाने की. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद कमाने की. क्या. नॉट टू स्टडी स्क्रिप्चर्स. उसको क्या ज़रूरत है ये किताबें पढ़ने की. उसको क्या ज़रूरत है ये किताबें पढ़ने की. क्या ज़रूरत है लड़की को ये किताबें पढ़ने की. उसके कौन से काम आने हैं. चूल्हे चौके में तो काम करना है उसको. ये सोच होती है चूल्हे चौके में ही तो काम करना है उसको. करना है. सो निग्लेक्ट इन फीमेल एडुकेशन. चाइल्ड मैरिज. बचपन से ही उसकी शादी कर दी जाती थी. क्या कर जाती थी. बचपन से ही उसकी शादी. अब बेचारी का अगर हस्बैंड मर जाए. क्या मर जाए. तो बचपन में छोटी छोटी गुड़ियाओं को 10-10 साल की गुड़िया पैदा होते ही उनका ब्याह पैदा हो गई. मेरा ब्याह तेरे बेटे के साथ पक्का. मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे के साथ पक्का. मानो कि उसकी डेथ हो गई उसके पति की बेचारी की. वो तो 5 साल में उसको विडो का जीवन बनाते थे. वाइट साड़ी बना के घर बिठा देते थे. कोई काम नहीं कराते थे. रोती रहती थी घर में कोने पर बिठा देते थे. तो इसका तो पति मर गया. इसका तो पति मर गया. आया है. इतना गंदा सिस्टम हुआ करता था. और चाइल्ड ब्राइड बिकेम अ विडो टू सफर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ एगनी. मतलब दुख दर्द का जीवन जीवन भर दुए. हाय हाय उसका तो पति मर गया. हाय हाय उसका. तुम इतने लकी हो कि तुमको ऐसा पढ़ाया नहीं आता. तुम्हारी टीचर्स इतनी लकी कि तुमको मार मार के पढ़ाते हैं. तुम तो पैदा ही चूल्हे चौके काम करने के लिए होगी. तुम्हारे घर वालों की तो सोची है कि चूल्हे चौके में काम करो. मार मार के तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ाती हैं. कहती हैं आप काम करो काम करो. क्या. व्हाइल अ चाइल्ड ब्राइड डाइड द बॉय कुड गेट. अगेन अगर लड़की मर जाती थी. चाइल्ड ब्राइड मतलब अगर लड़की मर जाती थी तो लड़का तो दूसरी शादी कर लेता था. यू कुड हैव रीमैरिड इजली. उसकी तो रीमैरिड. लेकिन लड़की को तो क्या करना पड़ता था. शी हैज टू लिव द लाइफ ऑफ अ विडो इन एग्नी इन पेन. लेकिन लड़की की तो दूसरी शादी. राजा है ना मेरी लड़का तो. हाँ राजा मेरा बेटा राजा. क्यों क्या. द डाउरी सिस्टम. ऊपर से आज तक लोगों को डाउरी चाहिए. दहेज चाहिए. क्या चाहिए. दहेज. मैरिज ऑफ अ गर्ल वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट अ सुटेबल. जब तक दहेज ना मिले तब तक तो. मैनी पुअर गर्ल्स हैड टू रिमेन अनमैरिड और कमिट सुसाइड या खुद की जान दे देती थी. क्योंकि टू रिलीव. क्योंकि वो उनको लगता था कि उनकी एगनी मतलब उनके पेरेंट्स इतने परेशान रहते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे उनकी शादी में दहेज देने के. टू रिलीव मतलब छुटकारा पाने के लिए. कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप को इतना पैसा बच जाएगा. तो वो बेचारी खुद ही कूद के मर जाती है. थी. खुद ही सुसाइड कर लेती थी या खुद ही मर जाती थी. सुसाइड कर लेती थी उसे कहते थे. ताकि कमिट सुसाइड. ताकि उसके पेरेंट्स को रिलीव मिले शांति मिले. अब उसको उनके पे पैसा ना खर्च करना पड़े. उनकी शांति उनकी भंग हो जाए. नो परमिशन फॉर विडो री मैरिज. अगर एक लड़की कोई विडो थी क्या थी. उसका पति मर जाए. उसका पति. अ मैन कुड मैरी एज मेनी वाइफ्स एज ही लाइक बट अ वुमेन इफ विडोड वाज रिगार्डेड एज अ बर्डन ऑफ बोथ ऑन द फैमिली एंड द सोसाइटी. शी कमांडेड टू रिस्पेक्ट एंड लिव अ लाइफ ऑफ निग्लेक्ट एंड डिस्पाइस. शी कमांडेड नो रिस्पेक्ट. उस बेचारी को कोई इज्जत नहीं मिलती थी और सब उसको निग्लेक्ट करते थे. निग्लेक्ट मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देते थे. क्या नहीं देते थे. ध्यान नहीं देते थे. एंड डिस्पाइज. डिस्पाइज का मतलब क्या होता है. दुखी का जीवन ही. इट इज अ पार्ट ऑफ दैट. क्या है. दुखी का. तो इतना गंदा जीवन उसको देते थे. दैट डेथ वाज बेटर इन दिस क्रूअल वर्ल्ड. देयर शी गो एंड कॉल सामी. डेथ वाज बेटर इन दिस क्रूअल. मेनी विडोज लेफ्ट देयर हाउसेस इन डिस्गस्ट. डिस्गस्ट मतलब कितनी बार तो बेचारी अपने घर छोड़ छाड़ के चली आती थी. क्या चली आती थी. कॉल सामी देखो भाग गई. फॉर दिस डेथ वॉज बेटर दैन लाइफ. इतनी गंदी लाइफ देते थे इस क्रूअल वर्ल्ड. ये दुनिया उनको इतनी गंदी लाइफ देती थी. उनका मरना ही
अच्छा था, और कितनी औरतें अपना घर ही छोड़ देती थी क्योंकि वो इतना दुखी जीवन बर्दाश्त ही कर नहीं पाती थी। तो सती सिस्टम, सती सिस्टम आपको पता ही है, इज रिगार्डेड एज अ नोबलेस्ट वर्च्यू। हाय हाय, इतना गंदा ये सती सिस्टम था फॉर अ विडो। जब उसका पति मर जाए, यार पति तो मर गया, मरने के बाद तो शरीर के जलने का दर्द होता ही नहीं है, पर उसकी बीवी को जिंदा जिंदा लकड़ियों में बिछा के जला दिया जाता था क्योंकि उसका पति मर गया, और इसे कहते थे नोबलेस, और उसको माना जाता था कि तू तो अपनी पति की वो अच्छा यही लेके गई है चौक और नाटक करने, बुला उसको, तो उसी को कहा जाता था ये तो तू तो यार तू तो अपने भगवान के घर जाएगी अपने पति के लिए मरेगी, वाह 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 नोबल है, ये तो बहुत भगवान का काम है, मर मर अपने पति के लिए भगवान का काम है, ऐसे उल्टी सीधी बातें उसको सिखाई जाती। तो बेचारी फ्यूनरल पायर पे अपने आप को ही डेथ हस्बैंड के अपने आप को जला देती थी। अगर वो हेजिटेट करती थी, उसको डर लगता था, बेचारी मना करती थी, तो जो वहाँ के पुजारी होते थे, प्रीस्ट होते थे और रिलेटिव्स होते थे, वो उसको जबरदस्ती आग के अंदर धक्का मार देते थे अगर वो एक बार भी हेजिटेट करती थी या मन करती थी। इफ इट ओनली प्रूव हाउ सेल्फिश सोसाइटी एंड टॉर्चर द वुमेन, हाउ सेल्फिश द सोसाइटी हैड टर्न्ड द वुमेन, वो कितना उनको टॉर्चर करते थे, क्या करते थे मैम। इसके अंदर ये बताते थे कि ये जो इसके अंदर जब इसका इनका पति मर जाता था तो इनको भी मार देते थे, जला देते थे ना। हाँ ठीक। नो राइट ऑफ अ हिंदू मैन टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, हिंदू सोसाइटी में है कि औरतों का तो कोई राइट नहीं है कि पति के मरने के बाद प्रॉपर्टी उनको मिले, क्या करें प्रॉपर्टी औरतों के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, औरतों के नाम तो कुछ कोई नहीं सकता। देयर इज नो राइट के औरतों की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो, क्या हो प्रॉपर्टी और इनहेरिट हो क्या हो, ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा। बच्चों को तो मिल जाएगी, पर औरतों को कुछ नहीं मिल सकता था, औरतों को कुछ नहीं मिल सकता था। हाँ स्टॉप।